एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द लखनऊ स्टडी स्टेशन पे। आपको आज एक बिल्कुल नए और डिफरेंट चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जिससे सभी लगभग प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हर परीक्षाओं में इधर पूछा जा रहा है। चाहे आप यूपी पुलिस की बात करें, या आप रेलवे की बात करें, या अन्य परीक्षाओं की बात करें, ये कॉमन सा क्वेश्चन है लेकिन हर परीक्षाओं में पूछा जा रहा। अब इसे करने का तरीका क्या है और किस तरह से करें, बिल्कुल कमांड होना चाहिए कि कम से कम इस क्वेश्चन का आंसर हमारा गलत ना हो और न्यूनतम समय लगे, तो इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चनों पे मैं बात करूँगा। कितने क्वेश्चन इस तरीके से किए जा सकते हैं और कितने क्वेश्चनों का इससे संबंध है, तो ध्यान से देखिएगा। शुरू करते हैं गाय और मुर्गी वाले प्रश्न। अब इसको इसी नाम से जानते हैं, गाय और मुर्गी वाले प्रश्न। अगर इसे किसी चैप्टर में सेट करना हो तो ये कहेंगे कि ये अनुपात और समानुपात वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन हम आपको इंडिपेंडेंट पॉइंट वाइज बता रहे हैं। गाय और मुर्गी, जानवरों के एक झुंड में कुछ गायें हैं कुछ मुर्गी, क्वेश्चन समझ गए होंगे क्योंकि अक्सर हर पेपर में आ जाता है। अगला क्वेश्चन, एक पार्किंग में कुछ कारें तथा कुछ बाइक हैं। इसी तरह का अगला क्वेश्चन होगा कि एक बैग में कुछ 5 रुपए की कुछ 50 रुपए की नोटें हैं, नोटों की संख्या ये है जिनका मूल्य इतने रुपए है, तो कितनी नोटें 5 वाली हैं और कितनी नोटें 50 वाली हैं। तो इसी से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन और बनते हैं जो कि अलग नहीं है, बिल्कुल एक जैसे सवाल हैं, तो इन पर हम आपसे चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है, आप ध्यान से देखें, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दूसरी चीज़ महत्वपूर्ण है, तो क्यों ना ही हम इसे ऐसे तरीके से सीखें जिससे एग्ज़ाम में तुरंत इसका आंसर कर पाएं। जानवरों के एक झुंड में कुछ गाय तथा कुछ मुर्गियां हैं। यदि सिरों की संख्या 50 तथा पैरों की संख्या 170 हो तो झुंड में कितनी गायें हैं। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि झुंड में कितनी मुर्गियां हैं। दोनों चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, बशर्ते आप इसका आंसर किस तरह से देंगे। कुछ किताबों में समीकरण बना के किया गया है, कुछ में एलिगेशन मेथड से किया गया है। मैं आपको बहुत ही नॉर्मल सा तरीका बता रहा हूँ और आप प्रॉपर तरीके से आंसर कर पाएंगे, बस आपको ज़रूरत है कंसंट्रेट करने की। ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, सिरों की संख्या 50 है, यानी कुल जो जानवर हैं वो 50 हैं, चाहे गाय हो या मुर्गी, हेड सबका एक ही होगा। लेकिन पैरों की संख्या, यहाँ पे गाय के पैरों की संख्या 4 होती है और मुर्गियों के पैरों की संख्या 2 होती है, तो इस तरह से 170 हो गया। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि झुंड में गाय कितनी है। इसे देखिए किस तरह से करना है, आप लर्न करिए, सीखिए इसे। मैंने एक इस तरह का प्लस का निशान बना दिया, आपके सामने बना हुआ है, एक प्लस का निशान बना दिया। जो सिरों की संख्या है वो ऊपर रखेंगे और जो पैरों की संख्या है वो नीचे रखेंगे। एक तरफ हम गाय लिखेंगे और इसके 4 पैर होते हैं, ये सबको मालूम है। एक तरफ हम मुर्गी लिखेंगे, इसके 2 पैर होते हैं, ये भी सबको मालूम है। ये चीज़ लिख गई यहाँ पे, हेड ऊपर है, पैर नीचे हैं। अगर व्हीकल्स की बात की जाएगी तो गाड़ियों की संख्या, वाहनों की संख्या ऊपर होगी, व्हील्स नीचे होगा। अगर नोटों की बात की जाएगी तो नोटों की संख्या ऊपर होगी और उनकी वैल्यू नीचे होगी, क्योंकि नोट एक होती है, चाहे वो 100 की हो, चाहे 2000 की हो, चाहे 50 की। लेकिन 100 वाले की वैल्यू 100 होती है, 2000 वाले की वैल्यू 200 होती है, बट नंबर ऑफ नोट तो सिंगल है, एक नोट है, चाहे वो 2000 की हो या, तो जो कम है वो ऊपर रखेंगे, जो ज़्यादा है वो नीचे रखेंगे। सरल भाषा में देखिए, अब ये आपके सामने सेटअप बन गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि गाय की संख्या क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, जो पूछा गया है उसे ब्लॉक कर दें। गाय की संख्या क्या है, तो जो पूछा गया है उसे ब्लॉक करें, उसको गणना में शामिल नहीं करेंगे। जो पूछा गया है उसे ब्लॉक करें, उसके अपोजिट वाले से नंबर ऑफ हेड को गुणा करेंगे, आपकी वैल्यू आती है 100।
दोनों का अंतर ले लेंगे, जो पहले पैर थे और जो अब आए, दोनों का अंतर ले लेंगे, आता है 70। इसे इन दोनों वैल्यूओं के अंतर से डिवाइड कर देंगे और आंसर आएगा 35, यानी गायों की संख्या यहाँ पे 35 है। एक बार फिर से देखिए, हेड ऊपर लिखे, पैर नीचे लिखे, 170 गाय के 4 पैर और मुर्गी के 2 पैर। जो पूछा गया है गाय कितनी है, तो गाय को ब्लॉक कर दो, राउंड कर दो और उसके अपोजिट वाले से नंबर ऑफ हेड को गुणा करो, जो वैल्यू आएगी उसको वास्तविक से अंतर ले लो। बड़ी आए या छोटी इससे फर्क नहीं पड़ता है, आपको माइनस प्लस का चिन्ह नहीं देखना है, आपको पहले वाले से इसका डिफरेंस लेना है, ये वास्तविक है और ये छदम है। तो दोनों का अंतर 70 आता है, इसे इन दोनों की वैल्यू जो भी हो उसके अंतर से डिवाइड कर दीजिए, ये हो गई गायों की संख्या। बाय द वे इसमें आपसे पूछ लेते कि मुर्गियों की संख्या क्या है, तो नो प्रॉब्लम, मैं इसको हटा रहा हूँ, आप इसके बाद देखिए अगर मुर्गियों की संख्या पूछी गई होती तो कैसे जवाब देते। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कहा गया कि मुर्गियों की संख्या क्या है, अगर इस गाय की जगह पर मुर्गी पूछ लिया गया होता कि मुर्गियों की संख्या क्या है, तो आप मुर्गी को ब्लॉक कर देते पहले की तरह, जैसे गाय को ब्लॉक किया था तो वैसे मुर्गी को ब्लॉक कर देते हैं। अब क्या करेंगे, अपोजिट वाले से यानी गाय से इसको गुणा करेंगे, कितना आएगा, 200 आ जाएगा, और दोनों का अंतर ले लेंगे, कितना आ गया, 30। और इस अंतर को इन दोनों के डिफरेंस से हमेशा डिवाइड करेंगे, आ गया 15, यानी मुर्गियों की जो संख्या होगी वो 15 होगी। तो जो पूछा गया है उसे ब्लॉक करिए, अपोजिट वाले से गुणा करेंगे, वास्तविक से अंतर लेके दोनों के वैल्यू के अंतर से डिवाइड कर दीजिए, एग्जैक्टली आंसर होगा, वर्बली आप बता सकते हैं। अब आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले चलता हूँ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जैसा अभी आपने किया था सेम क्वेश्चन है, ज़रा सा भी अंतर नहीं है, तो आप जाहिर सी बात है उसी तरीके से करेंगे। जब इसमें अंतर नहीं है तो हमारा तरीका भी चेंज नहीं होगा। मैं इसी पे आधारित आपको कई प्रश्न बताता हूँ। एक पार्किंग में कुछ कारें तथा कुछ बाइक हैं, यदि वाहनों की संख्या 75 तथा पहियों की संख्या 226 हो तो पार्किंग में बाइक कितनी है। आप देखिए, कारों में 4 व्हील्स होते हैं, बाइक में 2 व्हील्स होते हैं, नंबर ऑफ व्हीकल्स में दोनों काउंट होंगे, यानी वाहनों में कार भी गिना जाएगा, बाइक भी गिना जाएगा, बट व्हील्स की बात आएगी तो डिफरेंट हो जाएंगे। अब पूछा जा रहा है कि पार्किंग में बाइक कितनी है, ये भी तो पूछ सकते हैं कि पार्किंग में कारें कितनी हैं, इसके अलावा कुछ नहीं, इन दोनों में से एक ही चीज़ आपसे पूछी जाएगी। हमने फिर से ये प्लस का निशान बनाया, ऊपर हमने नंबर ऑफ व्हीकल्स लिख दिए यानी वाहनों की संख्या, और नीचे लिख दिया नंबर ऑफ व्हील्स यानी पहियों की संख्या। ऊपर वाहन, नीचे पहिया, पीछे वाले सवाल में ऊपर हमने जानवर लिखे थे, नीचे पैर लिखे थे, अब यहाँ पे कार लिखेंगे, कार का मतलब 4 व्हील्स हो गया, और यहाँ पे लिखेंगे बाइक, और बाइक का मतलब हो गया 2 व्हील्स। आपसे पूछा गया है कि बाइक कितनी है, जो पूछा गया है उसे ब्लॉक करें, जो पूछा गया है उसे ब्लॉक करें, उसके अपोजिट वाले से नंबर ऑफ व्हीकल्स को गुणा करेंगे। तो अपोजिट में क्या है, कार 4, 75 को 4 से गुणा करेंगे 300 आएगा, ये छदम है, ये वास्तविक है, दोनों का डिफरेंस लेना है, प्लस माइनस नहीं देखना है, दोनों का डिफरेंस लेना है। तो जैसे ही हमने डिफरेंस लिया तो इसका अंतर आ गया 74 इसका अंतर आ गया। अब आप क्या करेंगे, दोनों के वैल्यू के अंतर से इसे डिवाइड कर देंगे, तो दोनों का वैल्यू का अंतर है 2, इससे डिवाइड कर देंगे, 2 3 6 और 2 7 14, 37 बाइक आपकी पार्किंग में खड़ी हैं। ये आपका बढ़िया सा आंसर हो गया, जो पूछा गया था आपको उसे ब्लॉक करना है, अपोजिट वाले से नंबर ऑफ व्हीकल्स को गुणा करेंगे, जो भी आएगा वास्तविक से अंतर लेंगे, दोनों के अंतर से डिवाइड करेंगे और आंसर आपके सामने होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फिर से दिखाते हैं, आइए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ, बिल्कुल हूबहू कोई अंतर नहीं है, जैसे पहले दो क्वेश्चन किए हैं सेम एज इट इज़ क्वेश्चन है, तो तरीका भी नहीं बदलने वाला है, आप उसी तरीके से इसे करेंगे। मैं पढ़ के सुनाता हूँ, एक बैग में 5 रुपये एवं 20 रुपये के कुल 80 नोटे हैं, 5 रुपये और 20 रुपये के कुल 80 नोटे हैं, जिनका कुल मूल्य
1075 रुपये है, 1075 रुपये है, यानी 1075 रुपये है। आपको बताना है कि 20 रुपये के नोटों की संख्या क्या है, फिर उसी तरह से प्लस का निशान बनाएंगे। पुराना है मैटर, प्लस का निशान बनाया, नंबर ऑफ नोट को यहाँ लिखेंगे, 80 नोटे हैं आपके पास, वैल्यू है 1075 रुपये, 1075 रुपये। एक नोट है आपकी 5 रुपये वाली और एक नोट आपकी है 20 रुपये वाली। अब आप देखेंगे, आपसे पूछा गया है कि 20 रुपये के नोटों की संख्या क्या है। आपको नहीं मालूम है कि 20 रुपये के नोटों की क्या संख्या है, समीकरण बनाएंगे, टाइम लगेगा, गलतियां भी होती हैं। आप इसको सीखिए, सीखने की चीज़ें हैं, बहुत कठिन नहीं है, बिल्कुल मैथ पे मत जाइए, एकदम प्रैक्टिकल और एकदम व्यवहारिक तरीका है। आपसे पूछा गया कि 20 रुपये के नोटों की संख्या क्या है, जो पूछा गया है उसे ब्लॉक करें, कर दिया। अपोजिट वाले से नंबर ऑफ नोट को गुणा करें, 5 8 40 400, दोनों का डिफरेंस लें, प्लस माइनस नहीं देखना है, दोनों का अंतर आ गया 675। इनके अंतर से भाग देंगे, जो वैल्यू है उसके अंतर से भाग देंगे। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, दोनों की वैल्यू क्या है उसके अंतर से भाग देंगे, तो 20 और 5 का अंतर 15 हो गया, बटा 15 कर देंगे, 15 चौको 60 और 15 पचे 75। 45 नोटे हैं आपकी 20 रुपये वाली, ये आपका आंसर हो गया, 45 नोटे हैं 20 रुपये वाली। इस तरह से आप बहुत तेज़ी से और बहुत सटीक आंसर दे सकते हैं, कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं, कहीं कोई गलती नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप चलिए, क्वेश्चन आपके सामने आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल हो बहू, मैंने आपसे बताया था कि एक जैसे कई क्वेश्चन हैं, तो कहीं आप उसको अलग, इसको अलग, उसको अलग समझ के 4 या 6 क्वेश्चन ना समझ लें, सब एक ही जैसे हैं और आप इनको एक ही तरीके से करिए, कोई अंतर नहीं है। 2100 रुपये को 300 महिला पुरुषों में बांटा गया है, पुरुषों को 10 रुपये दिए गए, महिलाओं को 5 रुपये दिए गए, तो महिलाओं की संख्या क्या है या पुरुषों की संख्या क्या है, आपसे यहाँ पूछा गया है महिलाओं की संख्या क्या है। फिर से आपने प्लस का निशान बनाया, पुराना नियम है। यहाँ पे आपने लिखा टोटल पर्सन कितने हैं, 300 पर्सन हैं, जिसमें पुरुष और महिला जुड़े हुए हैं। टोटल पैसा हमारे पास 2100 रुपये है, जो डिस्ट्रीब्यूट होना है इनमें। अच्छा, जो पुरुष हैं इन्हें आप 10 रुपये देने वाले हैं और जो महिला हैं आप इन्हें देने वाले हैं 5 रुपये, 5 रुपये महिलाओं को और 10 रुपये पुरुषों को। अच्छा, आपसे पूछा गया है कि महिलाओं की संख्या क्या है, तो क्या करेंगे, जो पूछा गया है उसको तुरंत ब्लॉक करेंगे। पहला काम, अपोजिट वाले यानी पुरुष की जो वैल्यू दी गई है उससे तुरंत नंबर आप पर्सन को गुणा करेंगे, एक ही जैसा नियम है ना, आप गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300 को 10 से गुणा करेंगे 3000 आ जाएगा। ये छदम अमाउंट है, ये वास्तविक है, दोनों का अंतर लेना है, पहले जैसी बात है, यानी 900 आ गया। अब इस 900 को दोनों के अंतर से डिवाइड करना है, पुरुष की जो वैल्यू है वो 10 रुपये है, महिला को जो मिला उसकी वैल्यू 5 रुपये, दोनों का अंतर 5 रुपये है, 5 से जैसे ही डिवाइड करेंगे 180 आंसर आ जाएगा, यानी ग्रुप में महिलाओं की संख्या 180 है। आपको समझ में आ गया होगा, आपको फिर से एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। चलिए, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रहा था। एक सिनेमा हॉल में कुल 120 सीटें हैं, एक सिनेमा हॉल में कुल 120 सीटें हैं, जिनका कुल मूल्य यानी इन सीटों को इतने मूल्य पे खरीदा जा सकता है। 120 सीटें हैं जिनका कुल मूल्य 6190 रुपये है। यदि उच्च श्रेणी की टिकट का मूल्य 65 रुपये है और निम्न श्रेणी के टिकट का मूल्य 42 रुपये है, तो उच्च श्रेणी की सीटों की संख्या क्या है। ये ऑप्शन भी हमने दे दिया, आप भी ट्राई करें, प्रयास करें, ठीक है। पहले की तरह से फिर से प्लस का निशान बनाएंगे। नंबर ऑफ सीट आपकी जो है 120 है, आप यहाँ रखेंगे। उनकी जो वैल्यू है वो 6190 रुपये है, फिर से यहाँ पे रखेंगे। आपकी जो उच्च श्रेणी की टिकट है, उच्च श्रेणी की यानी महंगी वाली जो टिकट है आपकी, उसका मूल्य है 65 रुपये, और जो लोअर क्लास की है यानी निम्न श्रेणी की जो टिकट है, उसकी जो वैल्यू है वो है 42 रुपये, 42 रुपये।
तो कुल सीटों की संख्या, कुल उनका मूल्य, दो टाइप की टिकट हैं, एक हाई क्वालिटी की है, एक लो क्वालिटी की है, यानी लो क्वालिटी की 42 रुपये की और हायर श्रेणी की जो है वो 65 रुपये की। आपसे मैंने पूछा कि उच्च श्रेणी के सीटों की संख्या क्या है, क्या करेंगे, तुरंत इसे ब्लॉक कर देंगे, राइट। आपने ब्लॉक कर दिया, अपोजिट वाले से नंबर ऑफ सीट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 120 से 42 को मल्टीप्लाई करना है, जीरो हो गया, 12 दूनी 24 के 4 हो गए, और 12 चौको 48, 49, 50 हो गया, यानी 5040। अब इन दोनों का अंतर लेना है, माइनस आपको करना है, तो जब इसे माइनस करेंगे तो 1150 आ जाएगा, 1150 आ जाएगा, आप इसे घटा लीजिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ, दोनों का अंतर आ गया 1150। अब क्या करेंगे, इन दोनों के अंतर से डिवाइड करेंगे, तो इन दोनों का अंतर क्या है, 8 और 15 यानी 23। इन दोनों का अंतर जो है 23 है, यानी टिकट की जो वैल्यू है उसका अंतर 23 है, आप 23 से डिवाइड कर देंगे, और 23 × 5 = 115 होता है, यानी 50 सीटें, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, 50 सीटें तो दिख रहा होगा, 50 सीटें हैं, ये आपका आंसर हो गया, यानी उच्च श्रेणी की सीटों की संख्या 50 है, हो गया पहले जैसा है। अब आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और ले चलता हूँ, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल हूबहू है, ज़रा सा भी अंतर नहीं है, बस आप ध्यान देते रहिएगा, एक ही नियम पे मैंने आपको 6 से 7 क्वेश्चन बनाया है, और आगे भी इस पर डिस्कस करूँगा, इस नियम पे 10 से 12 टाइप के क्वेश्चन हैं जिनको आप बड़ी तेज़ी से और बहुत अच्छे से कर सकते हैं। फिर से आप देखिए, प्लस का निशान हमने बनाया, और यहाँ पे टोटल 9 घंटे का सफ़र है, 9 घंटे के सफ़र में जो तय की गई दूरी है वो 61 किलोमीटर है, 61 किलोमीटर है, यहाँ पे 9 घंटे में हमने 61 किलोमीटर की दूरी तय किया है। कुछ दूरी हम पैदल चले हैं जिसमें हमारी स्पीड रही है 4, और कुछ दूरी हम साइकिल से चले हैं जिसमें हमारी स्पीड रही है 9। अब आपसे ये पूछा गया है कि पैदल तय की गई दूरी क्या है, तो हमने आपसे बताया है कि जो पूछा गया है उसे ब्लॉक कर देंगे, तुरंत हमने पैदल को ब्लॉक कर दिया। अपोजिट में साइकिल है, 9 की स्पीड से चले हैं, 9×9=81, आपके सामने 81 आया, वास्तविक से अंतर ले लेंगे, क्या आ गया, 20। अब इन दोनों के अंतर से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4। अब सवाल उठता है कि ये 4 क्या है, ये 4 आंसर नहीं है, क्यों आंसर नहीं है 4, ये चीज़ आप ध्यान से देखिए, ये क्या है, दूरी है, दोनों का अंतर दूरी है, यानी ये 20 किलोमीटर दूरी है, और ये क्या है, स्पीड है, स्पीड और दूरी लिखा है, यानी दूरी को जब स्पीड से आप डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है, समय, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम, यानी पैदल वो 4 घंटे चला, ये हमें प्राप्त हुआ है यहाँ से, पैदल वो 4 घंटे चला है, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर वो 4 घंटे तक चलेगा तो कितनी दूरी तय कर लेगा, 16 किलोमीटर, ये आपका आंसर होगा, 16 किलोमीटर, यहाँ थोड़ा सा अंतर आ गया है, 4 घंटे वो चलता है, यहाँ से निकला हुआ है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है। जब आपको ये पता चल गया कि साइकिल से वो 4 घंटे चला है, तो तुरंत आप बता देंगे 4 से गुणा करेंगे, 16 आपकी दूरी हो गई, क्लियर हो गए होंगे, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। और इस टॉपिक पे थोड़ा सा नज़र रखिएगा, ये आपका गाय, मुर्गी, कार, बाइक आदि प्रश्न करके मैंने डाल दिया है, आप इस पे ध्यान दीजिएगा, और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार यूपी पुलिस के जो कांस्टेबल एग्ज़ाम हुए हैं उनमें मैंने लगभग देखा सब पेपरों में एक एक क्वेश्चन पूछा गया है, आप पेपर उठा के इसकी प्रामाणिकता देखिएगा, और अन्य रेलवे के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके पेपर उठाइएगा, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अलग अलग फॉर्मेट में रहा, बच्चे परेशान होते हैं, ऑप्शन से करते हैं, गलत करते हैं, आप इसको सीखिए, सबसे बेहतर तरीका है। आपको अगले वीडियो में कोई नया तरीका बताते हैं, तब तक के लिए बहुत सारी शुभकामनाएँ, धन्यवाद।